हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। क्या है नेक्स्ट हेडिंग, ध्यान से देखिए, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा था, तब ऐसा पढ़ा था कि हो सकता है कि हमारी फर्म में जो पार्टनर्स हैं उसमें से हम लोग पार्टनरशिप डीड में लिख के कुछ पार्टनर्स को या सभी पार्टनर्स को कुछ सैलरी या कमीशन दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए आप, मान लीजिए ए एंड बी, देर आर टू पार्टनर्स इन द फर्म, और दोनों पार्टनर ने मिलके पार्टनरशिप डीड बनाई और पार्टनरशिप डीड में लिखा कि हम दोनों मिलके तय करते हैं कि मिस्टर ए फर्म का सारा काम संभालेगा, इसलिए मिस्टर ए को हम लोग सैलरी का पेमेंट करेंगे। ऐसा लिख सकते हैं ना पार्टनरशिप डीड में, कितना भी ले लो, 60,000 रुपये एक साल की सैलरी रहेगी, मिस्टर बी को सैलरी का पेमेंट नहीं होगा। हो सकता है ना, हो सकता है कि मिस्टर बी कुछ और काम कर रहा हो, उसको तुम रेम्यूनरेशन देना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो कि मिस्टर बी को हम लोग कमीशन का पेमेंट करेंगे, कमीशन का पेमेंट हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज रहेगा। जैसे कि 10% ऑफ प्रॉफिट, मतलब 1,00,000 का प्रॉफिट हुआ तो 10,000 रुपये हम बी को कमीशन दे देंगे। तो हो सकता है ना कि एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स ने मिलकर तय किया कि हम किसी पार्टनर को या पार्टनर्स को सैलरी देंगे या कमीशन देंगे। अगर सैलरी और कमीशन में अलग अलग वर्ड यूज़ नहीं करूँ तो मैं रेम्यूनरेशन वर्ड यूज़ कर सकता हूँ। तो आज की हमारी हेडिंग है सैलरी और रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स। फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए निखिल मेहता, आपसे कनेक्टेड हूँ प्रॉफिट एकेडमी से। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। ओके, अब सैलरी और कमीशन जो पार्टनर्स को मिलेगा उसके बारे में तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या तीन बातें ध्यान रखनी है, तो ये मैंने इधर लिख रखी है तीनों बातें, आप भी अपनी कॉपी में जैसा मैंने नोट कर रखा है वैसा नोट कर लें। सबसे पहला, ये सैलरी और कमीशन फर्म के लिए एक्सपेंस है। ये हम लोग जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ओके, और इसको मैं आपको थोड़ा सा आगे लिखवा दूंगा, आप अभी इस वाली लाइन को कंसिडर कर लो। ओके, क्या लिख रखा है देखो, दिस इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, क्या लिखा, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने पहले पढ़ा कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होगा तो ही सैलरी और कमीशन का पेमेंट होगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम लोग इसका पेमेंट नहीं करेंगे। इसको हम लोग अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, और सेकंड लाइन में भी ऐसा ही लिख रखा है कि इट इज़ पेबल ओनली व्हेन द फर्म अर्न्स प्रॉफिट। जब हमारी फर्म में प्रॉफिट होगा तो ही पार्टनर को सैलरी और कमीशन का पेमेंट किया जाएगा। क्या आप लोगों को दो बातें समझ में आ गई है? एक्चुअली ये दोनों बातें एक ही है। सेकंड वाली लाइन पहले पढ़ लो कि जब हमारी फर्म में प्रॉफिट होगा तो ही हम पार्टनर को सैलरी और कमीशन देंगे, अगर लॉस होगा तो नहीं देंगे, और ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है। अब एक बात जो आपको मैंने पहले ही कह रखी है, मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ, वो ये है कि इट इज पेबल, इट इज पेबल only when there is agreement between partners। मतलब हम लोग सैलरी और कमीशन का पेमेंट तभी करेंगे जब पार्टनर्स के बीच में आपस में इस चीज का कोई अग्रीमेंट है। अगर पार्टनर्स के बीच में आपस में इसका कोई अग्रीमेंट नहीं है तो हम लोग सैलरी और कमीशन का पेमेंट नहीं करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर वन, देर इज नो अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स,
पार्टनर्स के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो सैलरी और कमीशन का पेमेंट करना है क्या? नहीं करना है. सेकंड पॉइंट, देयर इज पार्टनरशिप डीड. यस, देयर इज पार्टनरशिप डीड. पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड है, लेकिन वो पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द सैलरी और कमीशन. पूरी पार्टनरशिप डीड में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि सैलरी और कमीशन देना है या नहीं देना है. ऐसी स्थिति में सैलरी और कमीशन देना है क्या? नहीं देना है. मतलब सैलरी और कमीशन तभी मिलेगा जब पार्टनर्स के बीच में इसका एक्सप्रेस अग्रीमेंट होगा. सिचुएशन नंबर 3, देयर इज पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर सैलरी टू अ पार्टनर. पार्टनरशिप डीड में लिख रखा है कि एक पार्टनर को इतने रुपए की सैलरी देनी है, बट देयर इज लॉस इन करंट ईयर. लेकिन हमारे करंट ईयर में क्या है? लॉस हो रहा है. तो क्या हम सैलरी और कमीशन का पेमेंट करेंगे? नहीं करेंगे. ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, जब प्रॉफिट होगा तभी पेमेंट होगा, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा तभी पेमेंट होगा. पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, अग्रीमेंट है, ओरल या रिटर्न अग्रीमेंट है, लेकिन लॉस हो गया तो भी इसका पेमेंट नहीं होगा. तो सैलरी और कमीशन का पेमेंट पार्टनर्स को कब किया जाता है? क्या आपको सारी सर्कमस्टेंसेस समझ में आ गई है? ओके, चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे. अब बात आती है कि सैलरी और कमीशन का जो पेमेंट करेंगे उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी. तो यहां पे आप समझ जाइए कि अगर हमारी फर्म पार्टनर को सैलरी या कमीशन दे रही है तो हमारी फर्म के लिए ये एक्सपेंस है, इस वजह से हम लोग इसको डेबिट करेंगे. क्या लिखेंगे? पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू. ये हमने डेबिट कर दिया. क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए क्या है? एक एक्सपेंस है, इसलिए हम लोगों ने पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में सैलरी और कमीशन अकाउंट को डेबिट कर दिया. क्रेडिट किसको करना है? पार्टनर को, क्योंकि हम कैश में तो पार्टनर को दे नहीं रहे ना. पार्टनर ने बोला मेरे अकाउंट में जमा कर दो इसको, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम इस अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे. इस प्रकार हमारी फर्म की लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, चाहे वो इंटरनल लाइबिलिटी क्यों ना हो. लेकिन अगर हमारी फर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करती है तो ही हम लोग कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं. अगर हमारी फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करती है तो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में इसको क्रेडिट करेंगे. इसको क्रेडिट हम कहां करेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में. कब? जब हमारी फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करती है. तो जब फिक्स्ड कैपिटल है तो ये लगेगा, और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे. ये हुई हमारी एक जर्नल एंट्री. फिर अल्टीमेटली क्या होगा? 31 मार्च को हम लोग जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और जो भी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. तो हम लोग सेकंड एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी ऑब्लिक कमीशन अकाउंट. तो सेकेंड एंट्री हमारी 31 मार्च को हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट. इस प्रकार सैलरी और कमीशन अकाउंट को हम लोग बंद कर देंगे. तो यही इधर लिख रखा है, आपको यहां से नोट करना है. जर्नल एंट्रीज, जब हम रेम्यूनरेशन अलाउ करेंगे तब पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, जो भी एप्लीकेबल होगा. और जब हम सैलरी और कमीशन अकाउंट को क्लोज करेंगे तब एंट्री करेंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट.
अकाउंट। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो है हमारा कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन के आप दो तीन एग्जाम्पल सुनिएगा और फिर मैं इस वाली पॉइंट पे, इस वाली हेडिंग पे आ जाऊंगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर वन, देर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी। पार्टनरशिप फर्म में हमारा जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कमीशन देने से पहले, मतलब एक पार्टनर को कमीशन देना है लेकिन अभी दिया नहीं है, तो कमीशन देने से पहले हमारा नेट प्रॉफिट है, उसको मैं लिख रहा हूं नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज रुपीज 1 लाख। और हमारे पार्टनर को जो कमीशन देना है ना, वो कमीशन के लिए लिख रखा है कमीशन टू ए इज 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं है समझने की, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स हो गई। हमारा प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है, 1 लाख रुपए, और इन्होंने बोला ए को कमीशन देना है कितना, 10%। किसका 10%? प्रॉफिट बिफोर कमीशन का 10%। तो हमारे कमीशन यहाँ पे कितना बनेगा, तो हमारे यहाँ पे कमीशन का सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, कितना कमीशन हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100, दैट इज 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 100, दैट इज रुपीज 10,000। तो ये हमारा कमीशन हो जाएगा। देखो ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा जब हमारे कमीशन की लैंग्वेज ऐसी लिखी होगी कि कमीशन ए को देना है, कितना देना है, 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अगर ये लैंग्वेज होगी तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन का, हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स। प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1 लाख रुपए, उसका 10% ए को दे दो, तो ए को कितना देना है, 10,000 रुपीज। ओके, प्रॉब्लम अब क्या है, वो नेक्स्ट प्रॉब्लम समझाने से पहले मैं इसी क्वेश्चन में एक चीज ऐड कर देता हूं। अब मुझे बताइए प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है, 1 लाख रुपीज इस क्वेश्चन में। ओके, उसमें से आपने कमीशन कितना दिया ए को, कमीशन दिया आपने 10,000। तो बताइए कमीशन देने के बाद कितना प्रॉफिट बचा, तो कमीशन देने के बाद हमारा प्रॉफिट बचता है 90,000 रुपीज। कितना प्रॉफिट बचता है कमीशन देने के बाद, 90,000 रुपीज। इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ओके, अब देखना एग्जाम्पल नंबर टू है ना, वो आपको 2 मिनट समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। बड़ा ही आसान है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन आप एक बार एग्जाम्पल को समझना, सिंपल फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर टू, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज रुपीज 1 लाख। प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन है हमारा 1 लाख रुपए। ओके, और हमको जो ए को, एक पार्टनर को कमीशन देना है, उसके लिए क्या लैंग्वेज लिख रखी है वो ध्यान से देखना। उसके लिए लिख रखा है कि हम पार्टनर को कमीशन देंगे कितना, 25% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ये वाला जो वर्ड है ना, ये डिफरेंट है, पहले कुछ और था अभी कुछ और है। अभी आप क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसमें आप जो ऊपर फॉर्मूला लगा रहे थे वो नहीं हो सकता, क्योंकि 1 लाख रुपीज ऊपर लिख रखे ना, वो क्या है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन है। देखो मैं इसको पूरा लिख देता हूं, ये क्या है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन। कमीशन देने से पहले हमारा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है।
इसमें से हम लोग लेस करेंगे क्या कमीशन को। कमीशन को लेस करने के बाद जो यहां आएगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ओके, क्या आपको कमीशन का अमाउंट पता है? नहीं पता। तो जब तक कमीशन का अमाउंट पता नहीं चलेगा आप लोग प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कैसे पता करोगे? भाई प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1,00,000 रुपए है, इसमें से कमीशन लेस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आ जाएगा ना। तो हमको प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पता ही नहीं है, कमीशन का अमाउंट पता ही नहीं है। और इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान से पढ़ना, कमीशन इज 25% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। मतलब हम लोग यहां पे कोई एक्स अमाउंट लिखेंगे, ये अमाउंट लेस करने के बाद यहां पे एक अमाउंट आएगा, ये जो अमाउंट आएगा ना इसका 25% निकालना है। अब कैसे निकालोगे, दिया हुआ तो है ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में जब आपको क्वेश्चन ने बोला कि हम आपको दे रहे हैं प्रॉफिट बिफोर कमीशन, हम आपको क्या दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं प्रॉफिट बिफोर कमीशन, और आपको क्या बोला प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का परसेंटेज निकालो, ऐसी परिस्थिति में एक फॉर्मूला लगा के आंसर आता है। और वो फॉर्मूला है ये रहा इस प्रकार, वो फॉर्मूला है कमीशन इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। ऐसी परिस्थिति में हमारा प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो है वो है 1,00,000 रुपीज, जो रेट ऑफ कमीशन है वो है 25% और डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, मतलब 100 प्लस 25, तो आ जाएगा 1,00,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 125। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ₹20,000। 20,000 रुपये का कमीशन का अमाउंट बन रहा है। देखते हैं 20,000 रुपीज कमीशन लेस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आता है क्या, और वो आता है तो उसके हिसाब से इक्वेशन सोल्व होती है क्या। देखते हैं क्या लिख रखा है, देखो ऐसा लिख रखा है कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है 1,00,000 रुपीज, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, कमीशन कितना है आपने सॉल्यूशन में 20,000 रुपीज, तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना आ रहा है 80,000 रुपीज। ओके, अब आप देख लो इन्होंने क्या बोला, 25% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन निकाल लो, ये 80,000 रुपीज का 25% ही तो है, 25 बाय 100, ये आ जाएगा 20,000 रुपीज। तुमको क्वेश्चन ने 80,000 नहीं दे रखे थे, और क्वेश्चन ने क्या बोला था, ये लेस करने के बाद एक अमाउंट आएगा उस अमाउंट का 25% दे देना। तो भैया कितना लेस करें पता ही नहीं है, ऐसी सिचुएशन में यह फॉर्मूला लगता है और आपका आंसर आ जाता है कमीशन इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब आपके कमीशन की लैंग्वेज में 25% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन वर्ड होता है। अगर यहाँ पे बिफोर कमीशन वर्ड होगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या आपको दो फॉर्मूला, दो एग्जांपल, दो सरकमस्टेंस समझ में आई? अगर हाँ तो चलो हम लोग चलते हैं, आप एग्जांपल नोट भी कर लेना स्क्रीन से, और अभी हम लोग चलते हैं कहाँ, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पे थ्योरी पढ़ लेते हैं। कमीशन अगर आपको दे रखा हो परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन बिफोर, तो ऐसी सिचुएशन में फॉर्मूला सिंपल है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100। लेकिन जब कमीशन आपको दे रखा हो परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ऐसी सिचुएशन में कमीशन होगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, और इस प्रकार आपका कमीशन का कैलकुलेशन हो जाएगा। क्या आप लोगों को दोनों फॉर्मूला समझ आए हैं, क्या आप लोगों को दोनों एग्जाम्पल समझ में आए हैं? ओके, चलिए हम लोग चलते हैं हमारी बुक के क्वेश्चन पर।
हमारी बुक आपको पता है सुल्तान चंद पब्लिकेशन की TS ग्रेवाल बुक है जो 12th के CBSE बोर्ड के लिए आती है, उस वाली बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। और उस वाली बुक में हूँ मैं पेज नंबर 2.28 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 14, पेज नंबर 2.28, और मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूं, आप क्वेश्चन नोट कर लो, फिर हम उसका सॉल्यूशन इधर करने वाले हैं। क्वेश्चन के मैं कुछ एक्सट्रैक्ट लिखता जाऊंगा। क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स इन द फर्म। देर आर टू पार्टनर्स, कौन कौन? एक्स एंड वाई, दो पार्टनर है। एक्स इज टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। एक्स को कमीशन देना है, कितना देना है? तो एक्स के कमीशन के लिख रखा है कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन का 10%, 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन एक्स को कमीशन देना है। और वाई के लिए लिख रखा है वाई इज टू गेट अ कमीशन ऑफ ₹10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन। वाई का कमीशन कितना है? वाई का कमीशन है 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। जितने भी कमीशन देने हैं सब देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10%। और एक्स के कमीशन के लिए क्या लिख रखा है? 10% ऑफ प्रॉफिट, क्या लिख रखा था? 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। किसी को भी कमीशन देने से पहले एक्स को 10% दे देना, दे देंगे। अब लिख रखा है कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, वो नेट प्रॉफिट है हमारा 55,000 रुपीज़। कितने रुपए? 55,000 रुपीज़। आपको क्या करना है? एक्स और वाई का कमीशन कैलकुलेट करना है और उसके बाद में आपको नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी बचता है वो। तो चलिए हम लोग कमीशन कैलकुलेट करते हैं। एक्स के कमीशन में क्या वर्ड है? देखो, 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो बिफोर वाले में क्या फॉर्मूला लगता है? बिफोर वाले में फॉर्मूला लगता है सिंपल वाला। देखो, एक केस बता रहा हूं मैं आपको, एक केस में क्या लिख रखा है? बिफोर, बिफोर वाले में फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100। तो एक्स का कमीशन जो है ना वो तो हो जाएगा सिंपल, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट है। एक्स का कमीशन कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100। तो ये है 55,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 100। तो एक्स का कमीशन आ गया ₹5,500। ये आ गया किसका कमीशन? एक्स का कमीशन। अब वाई के कमीशन के लिए फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। वाई का कमीशन देने से पहले आपको फॉर्मूला क्या रखना है? देखो, वाई में क्या वर्ड है? आफ्टर चार्जिंग कमीशन, जो प्रॉफिट है ना उसका 10% है। तो ऐसे केस में फॉर्मूला क्या होता है? आपने अभी कॉपी में लिखा होगा, आप देखिए, इसके केस में फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। अब मुझे बताइए प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है? वाई को कमीशन देने से पहले का प्रॉफिट ये क्या होना चाहिए? सुनना, ये क्या है? ये है वाई को कमीशन
देने से पहले कितना प्रॉफिट है? मुझे बताइए वाई को कमीशन देने से पहले कितना प्रॉफिट है? टोटल हमारा जो प्रॉफिट है वो है 55,000 रुपीज़, और 55,000 रुपीज़ में से हमने 5,500 रुपये दे दिए हैं किसको? एक्स को कमीशन दे दिया है। तो ऐसे केस में वाई को कमीशन देने से पहले प्रॉफिट बचता है 49,500 रुपीज़ ओनली। Y को कमीशन देने से पहले कितना प्रॉफिट है? Y को कमीशन देने से पहले प्रॉफिट है 49,500 रुपीज़। कैसे पता चला? देखो 55,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था, 55,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में से 5,500 का तुमने X को कमीशन दे दिया, तो प्रॉफिट कितना बचा Y को देने से पहले? 49,500 का प्रॉफिट बचा। तो ये बात को आप ध्यान में रखते हुए इस वाले फॉर्मूला को अप्लाई करिए, 49,500 मल्टीप्लाई बाय रेट कितनी है 10 डिवाइड बाय 110, तो ये आपका आंसर आएगा 4,500 रुपीज़। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, इसका आंसर आएगा आपका 4,500 रुपीज़। तो X का कमीशन कितना बना 5,500, Y का कमीशन कितना बना 4,400। चलिए अब क्वेश्चन ने बोला कि आप प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करिए, चलो कर लेते हैं। इसमें क्या हो गया, छोटा सा सॉल्यूशन बचा, ये हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप इसको थोड़ा सा प्रॉपर बना लेना, डेबिट क्रेडिट, और लिख देना यहाँ पे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। फिर आप इधर लिख देना पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये आप लिख देना। मैं पर्टिकुलर्स अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट आप लिख देना, मैं लिख देता हूँ। चलो बताइए नेट प्रॉफिट कितना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारा 55,000 रुपीज़ का क्या है, नेट प्रॉफिट है टू पार्टनर्स कमीशन कितने रुपए है, एक्स के है 5,500 रुपीज़, वाई के है 4,500 रुपीज़, तो टोटल मिला के हमारा हो गया 10,000 रुपीज़ का पार्टनर का कमीशन। अब बताइए नेट प्रॉफिट कितना बचा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? अभी जो भी प्रॉफिट बचा, देखो 55,000 रुपीज़ की टोटल आने वाली है, उसमें से 10,000 का आपने कमीशन दे दिया, तो 55,000 रुपीज़ में से कितने बचे 45,000 रुपीज़, तो 45,000 रुपीज़ 1/2 करो 22,500 रुपीज़, और 22,500 रुपीज़ ये दोनों का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। क्वेश्चन ने बोला था कमीशन की कैलकुलेशन करके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। ओके फ्रेंड्स, आज हमारा उद्देश्य था कि आपको पार्टनर सैलरी और पार्टनर्स कमीशन समझ में आवे। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं। हम लोग नेक्स्ट हेडिंग के साथ में एक बार फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।